हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आलू का रायता बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या सामग्री यूज में लिए। ये एक बॉल के करीब दही है, इसे मैंने फेंट रखा है। और ये दो आलू है, इसे मैंने इस तरह से मैश कर रखा है, थोड़ा तोड़ रखा है हाथ से, कटिंग नहीं करी हुई है। और ये काली मिर्च है, काला नमक है, सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा और ये हरा धनिया। तो हम आलू का रायता बनाने के लिए, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये आलू इसमें दही में मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ये दो आलू मैंने डाल दिए और ये सफ़ेद नमक डाल रही हूँ और ये काला नमक और ये काली मिर्च। और ये भुना हुआ जीरा, आप देख सकते हैं सब डाल दिए मैंने। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा इस तरह से हरा धनिया भी डालूंगी तोड़ के, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लिया, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि अभी हम तड़का लगाएंगे, उसके अंदर भी डालेंगे। तो ये सब मिक्स कर लेती हूँ और अब हम तड़का लगाते हैं। ये तड़का पैन गरम हो रहा है फ्रेंड्स, अभी हम इसके अंदर गरम हो गया है, ज़्यादा तेज़ गरम करेंगे तो मसाला जल जाएगा, इसलिए अभी मैं इसके अंदर देखिए थोड़ा जीरा डाल रही हूँ। जीरा डाल दिया और ये थोड़ी राई डाल दी। इसके बाद ये गैस बंद कर देती हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये मैं हींग डाल रही हूँ, थोड़ी हींग डाल दी। और ये कड़ी पत्ते डालेंगे और ये थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, इस तरह से थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। और इसको हम तड़का पैन से इसमें तड़का सारा दही में इस तरह से डाल देंगे। देखिए कितना मस्त लग रहा है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल और उड़द दाल बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, ये चना दाल है, मैंने करीब पौन बॉल के करीब ली है चना दाल। ये देखिए, ये ड्राई वाली चना दाल है, आपको दिखा रही हूँ। और ये उड़द दाल है, ये साबुत उड़द दाल है। ये देखिए, ये साबुत उड़द दाल है। इन दोनों को मैंने करीब एक घंटे तक गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी में भिगो दिया है। तो ये दाल इस तरह से फूल गई है, तो कुकर में टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से दाल हो जाएगी। तो इन दोनों दालों को भिगो के मिक्स करके और स्ट्रेन कर लिया मैंने छलनी से। तो ये कुकर में मैंने गर्म पानी रख दिया है फ्रेंड्स, देखिए ये गर्म पानी बॉईल हो रहा है। पानी मैंने ये 2 ग्लास के करीब पानी लिया है और इसके अंदर ये गैस तेज कर दी मैंने और इसके अंदर ये स्ट्रेन की हुई दाल डाल देती हूँ 2 ग्लास पानी में। और इसके अंदर मैं ये नमक डालूँगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये थोड़ी सी हल्दी और इस दाल को मैं अब
बॉईल करूँगी। तो ये सीटी लगा दी है मैंने और इसके अंदर ये बॉईल कर रही हूँ दाल। अब इसके अंदर 4-5 सीटी बोलेगी तब तक बॉईल होएगी, और जब ये बॉईल हो जाएगी तब हम इसका छौंक लगाएंगे। अब हम दाल में छौंक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये छौंक के लिए मैंने ये गैस पे तेल गरम करने रख दिया। ये करीब एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया मैंने और ये गरम हो रहा है गैस पे। तो छौंक में हम ये प्याज लिया है मैंने, प्याज को कटिंग कर ली है, और ये लहसुन है 4-5 कली लहसुन की, और ये हरी मिर्च है 1.5 हरी मिर्च है। तो इसको मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी जब तक हमारा ये तेल गर्म हो रहा है। तो अब हम दाल में छौंक लगाएंगे फ्रेंड्स। ये चॉपर है, मैं इस चॉपर से अभी चॉप कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिए बारीक। बस अब हम छौंक लगाते हैं, तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं ये थोड़ा जीरा डालूँगी। और इसके बाद ये चॉप करेंगे, प्याज लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी और इसे फ्राई करूंगी। ये प्याज वगैरह सब फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे। पहले मैं हल्दी डालती हूँ, फिर ये मिर्च डालूंगी। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स। और थोड़ा सा मैं ये धनिया डालूंगी, थोड़ा सा धनिया डालूंगी। और इस तरह से मसाले को भूनेंगे। थोड़ा अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी फ्रेंड्स, ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। अब थोड़ा सा और डालेंगे पानी। और ये थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी भी डालूंगी। ये करीब 1 चम्मच के करीब डाली है मैंने, और इसे भी हम फ्राई करेंगे। अगर आप नमक मिर्च थोड़ा तेज खाते हैं तो आप तेज मिर्च डाल सकते हैं। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मिर्च अच्छी सी डाल दी है। और ये दाल भी हमारी बॉईल हो गई है फ्रेंड्स। देखिए इस दाल को हम इस तरह से, देखिए कितनी अच्छी घुट गई है। ये इस तरह से हम ऐसे हिलाएंगे तो और ज़्यादा घुट जाएगी और टेस्ट में तभी अच्छी लगेगी। अब इस मसाले में मैं थोड़ा नमक डालूंगी फ्रेंड्स। और थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। मसाला अच्छा फ्राई तभी होगा जब 2-3 बार हम इसको फ्राई करेंगे और 2-3 बार ही पानी डालेंगे। ये दाल को मैंने इस तरह से मैश कर लिए। देखिए इस तरह से मैश कर लिए। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। ये सारी दाल डाल दी, देखिए कितना अच्छा मसाला बना है। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये 2-3 मिनट में और उबल जाएगी, तब हम धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है।
और अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे धनिया से इस तरह से थोड़ा धनिया डाल देते हैं और थोड़ा हम गार्निश के वर्क डाल लेंगे। इतनी मस्त दाल बनी है फ्रेंड्स, आप देखिए। मैं आपको बॉल में लेके बताती हूँ, सर्विंग बॉल में डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी मस्त दाल बनी है। अब हम लंच में या डिनर में कभी भी इसे खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम रोटी बना लेते हैं डिनर के लिए। ये मैं रोटी बना रही हूँ, दाल मैंने सौंप दी है और आलू का रायता भी बना दिया है, तो ये रोटी बन जाती है। दोनों रोटी मैं सीख के अभी आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल रही है, आपको देखिए आप। डिनर के लिए रोटी बना दी मैंने और अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी डिनर रेसिपी आपको कैसी लगी। ये दाल बनाई थी मैंने और ये आलू का रायता है जो अभी बनाया था, और ये अचार है, कैरी गुंदे का अचार है फ्रेंड्स। और आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और ये गरम चपाती बनाई थी अभी मैंने, तो भूख लग रही है इसलिए आज मैं सोफे पे बैठ के डिनर कर रही हूँ। उधर डाइनिंग टेबल पर मेरा खूब सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, इसलिए मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स डिनर की रेसिपी ये आपको कैसी लगी आप बताइए मुझे। ये अभी मैंने चपाती बनाई थी और ये जो सारा खाना आपको कैसा लगा आप बताइए। आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय फ्रेंड्स।